सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल संदीप सुपारकर ब्लॉग्स। आई होप यू गाइज वेरी गुड एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो गाइज, वीडियो को लंबा ना करके आप सभी लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ। मैंने एक यूट्यूब चैनल कर लिया है स्टार्ट, जिसका नाम है संदीप सुपारकर ब्लॉग्स। तो गाइज, बहुत टाइम से मेरा ये प्लान था कि मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और उस पर अच्छे से वर्क करना है, बट जॉब की वजह से कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था तो स्किप कर रहा था बराबर इस चीज़ को। बट अब स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है। हम चाहे जॉब करें, कुछ भी करें, बट टाइम किसी चीज़ में किसी को नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो गाइज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग में ये व्लॉग करने का आइडिया कैसे आया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने ऐसा कौन सा वर्क मैं अपने पार्ट टाइम में स्टार्ट कर पाऊँ। बहुत सोचने के बाद ये चीज़ डिसाइड की है मैंने कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके वहाँ फ़ोटो क्लिक करना, ये सब चीज़ें, रील्स बनाना, वीडियो बनाना। तो मैंने सोचा यार अब यही बेस्ट है, इसके अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे व्लॉग ही बनाना चाहिए। तो गाइज, आज का कुछ व्लॉग ऐसा है कि मुझे बनाने हैं यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग वीडियोस। तो उसके लिए मुझे छोटे छोटे एक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मुझे जाना होगा चांदनी चौक लाल किला मार्केट, जहाँ पे कैमरे की शॉप है। वहाँ से मैं कुछ ऐसा लूँगा जो बहुत सस्ता हो, क्योंकि यार ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, और जिससे मैं अच्छे से व्लॉग शूट करूँ। तो गाइज, मार्केट निकलने का टाइम हो गया है, मैंने सबको कर दिया है कॉल, वो हो गया रेडी। अब मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ, फिर हम निकलते हैं मार्केट सीधा। तो फाइनली गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ और अभी फटाफट निकलते हैं। ये रहा मेरा बैग और ये रही मेरी पानी की बोतल, और अब जल्दी भागना पड़ेगा यार, क्योंकि अशद कर रहा है वेट और मैं हो गया लेट। तो गाइस, मैं तो अभी घर से आ गया हूँ रोड पे, और अभी देख रहा हूँ कि अशद कहाँ पे खड़ा है, उसको लेना है। बहुत गर्मी होने वाली है आज, पता नहीं आगे क्या होगा, पर देखते हैं। लेट्स सी, यहीं पे खड़ा है और ये राशद अभी ये फ़ोन पे लगा हुआ है, अभी इसको पता नहीं मैं आ गया हूँ इसके पास। हम रोड पे हैं अभी और अभी देखते हैं आगे, मेट्रो स्टेशन जाना है। खैर, इसने गुस्सा नहीं करा, मैं लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी ठीक है। गॉगल रख लिया, धूप बहुत तेज है। अभी हम इसमें जाने वाले मेट्रो स्टेशन तक, जाएंगे मेट्रो स्टेशन। अभी हम जा रहे हैं मेट्रो के पीछे, लगे नहीं थी तो भैया ने आगे बैठा लिया। तो गाइस, अभी हम आ गए मेट्रो स्टेशन और हम नीचे जा रहे हैं। अभी टोकन लेना है, वहाँ से लाइन में लगना है, चेकआउट होगा, फिर मेट्रो पकड़ते हैं, निकलते हैं। ओके, ओह शिट, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन, और अभी पता नहीं कब तक टोकन मिलेगा हमें और कब हम निकलेंगे, हम तो और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो गाइस, असद अभी टोकन ले रहा है और यहाँ से हम टोकन लेके निकलते हैं मेट्रो के लिए नीचे। तो अभी ही नीचे गया हूँ। तो गाइस, मेट्रो आ गई है और हम अब अंदर बैठ रहे हैं। गाइस, लिफ्ट में बहुत भीड़ थी तो सीढ़ियों से आए और हम गए बहुत थक। मेट्रो से एग्जिट कर लिया, अब आ गए चांदनी चौक मार्केट और इस पार्क से जा रहे हैं बाहर की तरफ मार्केट में, चलते हैं शॉप पे। तो फाइनली आ गए चांदनी चौक मार्केट और आप ये देख रहे हैं व्यू, समझ ही गए होंगे कि हम मार्केट आ चुके हैं। अशद yes. तो अभी हम जा रहे हैं उस शॉप पे जहाँ पे हमें कुछ सामान लेना है, लेकिन अभी हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, क्योंकि हम कहीं और से एग्जिट मार लिया हमने गलती से, पता नहीं हमें किधर जाना चाहिए था। और अशद को अभी कुछ पीना है तो ये यहाँ पे आ गया है। क्या ले रहे हो? हो, ये कोक ले ली। भैया कुछ और भी है खाने का? पेटी, समोसे। गरम है? बट यार गर्मी लग रही है, गरम चीज खाने का मन नहीं कर रहा। चलो भैया, सोचते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग गलत आ गए, एग्जिट मारा और पता नहीं किधर जा रहे हैं, और अभी यहाँ से फिर से रिक्शा लिया और हम जा रहे हैं अभी लाल किला साइड, जो भैया की शॉप है जहाँ से मुझे सामान लेना है।
वो बिल्कुल अपोजिट है और हम बिल्कुल अपोजिट आ गए हैं। और पैदल चल के तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी हमारी, तो अभी हमने क्या करा है वापस वहाँ तक पहुँचने के लिए रिक्शा ले लिया है। और आप देख रहे हैं भीड़ भी काफ़ी है, मजाक ही हो गया, बातों बातों में पता नहीं चला किधर जाना था और किधर पहुंच गए। फोन की वजह से आपकी सीट नीचे क्यों? तो गाइस ये रहा चांदनी चौक मार्केट और सामने आपको दिख रहा होगा लाल किला जहाँ पे सभी लोग घूमने आते हैं। और मैं जा रहा हूँ अभी उस शॉप पे जहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है, जो कि आ गई है शॉप भैया के सामने है गोडाक्स जोन, ये रहा भैया की शॉप और यहाँ पे अब हम लेंगे कुछ थोड़ा सा सामान। फाइनली गाइस अभी हम आ गए हैं शॉप पर और भैया के यहाँ देखते हैं मुझे क्या चाहिए, जिस सामान चाहिए वो मिल जाए। तो गाइस जिस काम के लिए आया था फाइनली वो काम हो गया है, मैंने ये ले लिया। अभी आपको यहाँ पे तो मैंने अच्छे से इसका कुछ नहीं बता पाया कि क्या लिया है, और अभी मैं घर पे जाके इसको दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ है, कितना अच्छा यूज़ होने वाला है इसका भी। तो अभी हमारा नींबू पानी पीने का मन कर रहा है और हम आ गए यहाँ पर नींबू पानी पीने, आप देख रहे हैं। तो फाइनली गाइज अब मैं घर आ गया हूँ। एक्चुअली मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को नहीं बता पाया कि मैंने क्या लिया है और ना ही वो चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो अब आराम से मैं आप लोगों को घर पे उस चीज़ को दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने वो चीज़ कितने प्राइस में ली है और उसका आप कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये रही वो चीज़ जो मैं मार्केट से लेके आया हूँ, ये देख रहे हैं आप उसका बॉक्स, और अभी मैं इसको ओपन करके आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कि क्या है ये। ओके तो गाइज आप ये देख रहे हैं इसका नाम है सेल्फी स्टिक ट्राइपोड। ओके तो अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरा बता रहा हूँ। ये आप इसको यहाँ पे फोन लगा सकते हैं, ये यहाँ से ओपन होगा ऐसे, और इसको आप जितना चाहेंगे इसको ऊपर खींच सकते हैं जितना फोन जितने में एडजस्ट हो जाए। और इसके यूज़ क्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूँ, ये यहाँ से ओपन होता है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये यहाँ से पूरा खुल जाता है। ये इसलिए खुल जाता है क्योंकि यहाँ से आप इसको बना सकते हो ट्राईपोड। ये हम कहीं भी इसको ऐसे ज़मीन में या कहीं भी टेबल पे इसको रख के हम दूर खड़े होकर व्लॉग शूट कर सकते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसको सेल्फी स्टिक बनानी है तो आप इसको नीचे से कर दीजिए क्लोज ऐसे, यहाँ से ये इसके लॉक पॉइंट हैं, आप इसको दबाओगे ये तीनों लॉक हो जाएंगे, ये लॉक हो गए। और अब हम इसको करेंगे ओपन, यहाँ पे हम लगा देंगे अपना फ़ोन और इसको कर देंगे टाइट ताकि मेरा फ़ोन कहीं गिरे ना, और अब इसको पूरा ओपन कर देंगे। तो गाइज ये देखिए ये इतना ज़्यादा खुल जाएगा, आपकी हाइट से भी ज़्यादा ओपन हो जाता है। ये इसकी हाइट है मैक्सिमम 5 फुट से ज़्यादा। और मैं आप लोगों को इसका नाम क्या है बता दूँ, इसका नाम है सेल्फी स्टिक ट्राइपोड, जो कि बहुत अच्छे से यूज़ आप इसका कर सकते हो ब्लॉगिंग में, रील्स में, और कहीं भी जाओ कोई भी वीडियोस बनानी है, ये अच्छा यूज़ है इसका। और आप ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे एक बटन सा, ये क्या है, ये है हमारा ब्लूटूथ पॉइंट, जिससे हमें वीडियो फ़ोटो स्टार्ट करने के लिए हम अगर फ़ोन को सेल्फी स्टिक ओपन करके ऊपर करते हैं तो हमें फ़ोन में टच करना ना पड़े, यहीं से हम ब्लूटूथ कनेक्ट करके वीडियो लॉन्ग बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, यहीं से प्रेस कर सकते हैं। ओके गाइस तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा एक ब्लूटूथ पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया इसमें, और ये निकाल के इसको हम चार्जिंग कर सकते हैं। इसका चार्जर नॉर्मल चार्जर लगता है इसमें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सॉरी गाइस इसमें चार्जर नहीं है, ये इसके अंदर सेल पड़ेगा, जो हमारी दीवार की घड़ी या हाथ की घड़ी में नॉर्मल जो पहले सेल पड़ते थे पतले वाले, इसमें वो सेल पड़ेगा। आप लोगों को वॉच की शॉप पे जाके जब भी कभी इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, एक छोटा वाला गोल वाला जो सेल आता है वो इसके अंदर पड़ेगा यहाँ पे। तो लॉन्ग टाइम चीज़ है ये, चलने वाली, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक सेल ही तो डलवाना है, मैक्सिमम 10-20 रुपए का एक सेल पड़ जाएगा गाइस। तो अभी हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है, बहुत ईजिली ये बाहर आ जाता है, कोई इसमें इतना वो नहीं कि आपको डर लगे कि निकालने में टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा, आराम से इसको आप निकाल सकते हैं। तो यह रहा मेरा औजार जिससे मैं व्लॉग शूट करूंगा और अच्छी अच्छी जगह जाके बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाला हूं,
उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आज से व्लॉगिंग हो गई है, अब स्टार्ट, अब नहीं मुझे लेट करना। तो गाइज मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।